नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। सीएसबीसी अभी सिपाही भर्ती की परीक्षा कंडक्ट कर रहा है जिसने विवाद का रूप ले लिया है। 14 मार्च को पहली तिथि की परीक्षा हुई, दो पालियों में हुई, लेकिन पेपर लीक का मामला एक बार फिर तूल पकड़ चुका है और विधानसभा में भी ये मुद्दा बनता नजर आ रहा है। विपक्ष सरकार के सहित केंद्रीय चयन परिषद पर हमलावर है, लेकिन अब एक बड़ी खबर आ रही है क्योंकि केंद्रीय चयन परिषद ने एक और जानकारी आप सभी के लिए साझा की है। नोटिस अपने वेबसाइट पर जारी किया है जिसमें ये बताया गया है कि अग्निशमन सेवा में अग्निक पद के लिए जो 2380 बहाली की प्रक्रिया होनी है, जिसके आवेदन अभी चल रहे हैं, उसकी परीक्षा की तिथि केंद्रीय चयन परिषद ने घोषित कर दी है। जी हां, 6 जून 2021 रविवार के दिन ये परीक्षा केंद्रीय चयन परिषद कंडक्ट करने जा रहा है। इस संबंध में नोटिस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसमें बताया गया है कि विज्ञापन संख्या 1/2021 बिहार अग्निशमन सेवा में अग्निक पद पर चयन से संबंधित लिखित परीक्षा की तिथि के संबंध में सूचना केंद्रीय चयन परिषद द्वारा बिहार अग्निशमन सेवा में अग्निक के 2380 पदों पर नियुक्ति हेतु जारी किए गए विज्ञापन संख्या 1/2021 के क्रम में अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा दिनांक 6 जून 2021 रविवार को आयोजित की जाएगी। परीक्षा के संबंध में विस्तृत कार्यक्रम एवं प्रवेश पत्र के संबंध में सूचना अलग से प्रकाशित की जाएगी। तो ये सीएसबीसी ने नोटिस जारी कर जानकारी दी है कि फायरमैन के लिए जो 2380 पदों की बहाली प्रक्रिया है वो परीक्षा 6 जून को ली जाएगी, रविवार का वो दिन है। हालांकि इस संबंध में अगर विस्तृत जानकारी और भी और एडमिट कार्ड के बारे में आगे नोटिफिकेशन सीएसबीसी जारी करता रहेगा। अभी सीएसबीसी बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 8415 पदों की परीक्षा कंडक्ट कर रहा है। पहले जो परीक्षा हुई है पहली तिथि की 14 मार्च को, वो विवादों का रूप ले चुकी है। पेपर लीक का मामला विधानसभा तक पहुंच गया है, हालांकि सीएसबीसी ने अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। वहीं फायरमैन के 2380 पदों के संबंध में उसने डेट जरूर बता दिया है, लेकिन ये परीक्षा भी विवाद मुक्त हो ये बड़ा समस्या उसके सामने खड़ा हो गया होगा, क्योंकि जिस तरह से बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का हाल बेहाल है, उस दौरान जो परीक्षाएं चल रही हैं वो लगातार विवादों के घेरे में ही रह रही हैं। अगर इस परीक्षा के बारे में और हम आपको बताएं तो ये परीक्षा के संबंध में नोटिफिकेशन 22 फरवरी को सीएसबीसी ने जारी किया था और बताया था कि ये परीक्षा बहुत जल्द होनी है। 24 फरवरी से इससे के संबंध में आवेदन भी लिए जाने लगे थे ऑनलाइन और 25 फरवरी इसके आवेदन की आखिरी तारीख है। अगर बात करें इस आवेदन की फ़ीस की, तो आवेदन की फ़ीस 450 पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के साथ सामान्य के लिए रखा गया है। वह अति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए ₹112 आवेदन की फ़ीस है। वहीं दो चरणों में ये जो परीक्षा है वो संपन्न कराई जाएगी। ये बहाली प्रक्रिया पहले लिखित परीक्षा जो कि 6 जून को होगी और वहीं दूसरी होगी शारीरिक दक्षता परीक्षा। जो भी 6 जून को परीक्षा में अभ्यर्थी शामिल होंगे 30% से अधिक मार्क्स लेकर आएंगे वो शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए पास करेंगे और उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा जब संपन्न होगी उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगा। जो भी मेरिट लिस्ट में नाम आएगा वो आगे की जो प्रक्रिया है, मतलब कि ये अग्निक पद के लिए वैध करार दिए जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं भरा है तो 25 मार्च तक आप आवेदन की प्रक्रिया में शामिल होकर आवेदन भर सकते हैं। बड़ी खबर यही है कि फायरमैन के लिए जो परीक्षा की तिथि है वो सीएसबीसी ने 6 जून निर्धारित कर दिए। तो ऐसे ही बने रहिए तमाम खबरों के लिए, लगातार अपडेट हम आप तक पहुँचा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।